आर्कटिक फॉक्स के बैग वाली वीडियो के बाद मैंने सबसे ज्यादा नाम सुना गॉड्स के बैग का, और हमने गॉड्स का बैग मंगा लिया है। भगवानों की कृपा से और आपके एक सजेशन से हम एक मार्वल एडिशन वाला गॉड्स का बैग ले आए हैं, और स्पाइडरमैन चाचू से हमें बहुत प्यार है, स्पाइडरमैन वाला वर्जन लिया हमने इसके अंदर, वर्जन कहो या मॉडल कहो। इसमें बहुत सारे डिजाइन और बहुत सारे वेरियंट अवेलेबल थे, तो उन सब बैग्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे को पर्सनली ये वाला पसंद आया, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अब अवेलेबल है भी नहीं, तो अगर होगा तो आप चेकआउट कर सकते हो, नहीं होगा तो आप कुछ और ले सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आज हम इसको अनबॉक्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो पहले से ही खुला खुला है, जस्ट कुछ नहीं है, उसके ऊपर बॉक्स पैकिंग आई थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। बैग देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज मुझे पर्सनली अपने लिए यूज करना, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गैजेट वाला बैग हो सकता है। देखो टैग्स भी निकाले, अभी मैंने इसको यूज नहीं करा, अब आज की वीडियो के बाद मैं इसको यूज करना शुरू करूंगा, बट रिव्यू पूरा देंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं बैग कैसा है। तो यहाँ पे आपको गॉड्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ ऊपर पूरा स्पाइडरमैन डिजाइन है। जो ये डिजाइन है वो लेटेस्ट स्पाइडरमैन सूट वाला डिजाइन है, जो भी रिसेंट एवेंजर्स वाली मूवी में आया था उसके पूरे हाथ पैर निकल जाते हैं, और यू नो जो बढ़िया सा सूट दिया था टोनी स्टार्क ने उसको, तो वहां से मैं थोड़ा ज्यादा फैन हो गया था यार। एक्चुअली साइड कैमरा में अभी ना, मैं बाहर यहाँ से दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड से कुछ ऐसी लुक है, राइट साइड से भी कुछ प्लेन लुक है। यहाँ पे येलो कलर की एक बिटिंग दी है, और सिमिलरली एक येलो कलर की बिटिंग यहाँ पे भी है, और पीछे यहाँ स्ट्रैप पे भी गॉड्स की ब्रांडिंग है, और जो इसकी हैंड होल्डिंग स्ट्रैप है उसके ऊपर मार्वल की ब्रांडिंग है, एक यहाँ पे नीचे भी मार्वल लिखा हुआ है, और सारी चेन्स पे भी गॉड्स की ब्रांडिंग है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, गॉड्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो बैग्स बनाता है। जहां तक मुझे पता है, मैंने गॉड सर्च किया था तो बैग ही आ गए थे पहले नंबर पे। बाकी जिनके मैंने रिव्यूज पढ़े थे, जैसे इनकी बैग की क्वालिटी है वो सच में भाई एक प्रीमियम बैग है। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, ये जो मैंने ऑर्डर किया था 3,3200 रुपए शायद इसका प्राइस था, मेरे को पर्टिकुलरली याद नहीं है, मैंने 15 दिन पहले ऑर्डर किया था जब आर्कटिक फॉक्स वाली वीडियो आई थी। तो एक आर्कटिक फॉक्स का बजट बैग भी है चैनल पे, जिसने वो वीडियो देखी वो वीडियो देख लेना, और कोई सजेशन हो तो डाल देना। एक दो सजेशन और है मेरे कार्ट में, वो भी हम मंगाएंगे, और वो भी धीरे धीरे अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि हमारा लैपटॉप वाला चैनल है, और लैपटॉप में जब लैपटॉप ले लिया जाता है तो बैग भी ले लिया जाते हैं, बैग ले लिया जाते हैं तो ट्रैवल कर लिया जाता है, कहीं भी गेम खेल ली जाती है, क्या बोल। और भाई यहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके के यहाँ पे कागज पत्थर लगा दिए हैं कि यहाँ पे मार्वल लिखा है। यहाँ पे अलग अलग बैग्स के मॉडल है, जियोन R1 लिखा है यहाँ पे, एक ट्राइटन X लिखा है, उसके पीछे यहाँ पे वुल्फ लिखा है। तो ये बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इनके ऑनलाइन अवेलेबल होंगे या हैं, आप चेक कर लेना। तो ये उतार लेते हैं सबसे पहले, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो आप लुक देख लो कमर पे कैसी लग रही है भाई की बैग की, लग रहा है ना एकदम बढ़िया। तो ये भी एक एंटी थेफ्ट बैग है। अब एंटी थेफ्ट बैग का सीन क्या रहता है कि इसकी जो जिप होती है वो कोई भी फ्रंट में कोई भी पॉकेट या कोई भी जिप नहीं होती, इनकी जिप होती है कमर वाले पोर्शन के पास। तो अगर आपके कमर पे बैग होता है तो कोई भी आपके कमर से अगर बैग खुलने की कोशिश करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ना ऐसे नहीं चलेगा। एक तो जिप सबसे पहले स्ट्रैप के अंदर एक जिप है, बहुत छोटी सी पॉकेट है, और यहाँ पे आप पेन रख सकते हो, छोटे मोटे कागज, और अगर टॉफी ऑफी खाते रहे पर नहीं, अगर आपको कूड़ा मचाना इधर उधर तो आप उसके अंदर डाल सकते हो, ये इसमें बहुत ज्यादा काम आएगी। देन वी हैव दिस साइड पॉकेट ओवर हियर, बट ये भी अंदर के कंपार्टमेंट की तरफ जा रही है, वो भी खोल के चेक करते हैं। और सिमिलरली दूसरे तरफ भी एक साइड पॉकेट है, तो अब बैग खोल लिया जाए। हो भाई भाई क्या कुछ है इसके अंदर, पॉकेट्स की कोई लिमिट नहीं है। ये आप देख रहे हो नीचे सारे पॉकेट्स हैं बहुत सारी, और ये मेन कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, और इसकी डेप्थ भी बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो ये देखो कितनी बढ़िया डेप्थ है इसकी, और भाई पॉकेट से पॉकेट, यहाँ पॉकेट, ये जो साइड पॉकेट थी ये अंदर निकल रही है, ये साइड पॉकेट ये अंदर निकल रही है, एक पॉकेट यहाँ निकल रही है, एक पॉकेट यहाँ निकल रही है, एक पॉकेट यहाँ निकल रही है, ये अलग पॉकेट ही पॉकेट हो गई है, बहुत ज्यादा पॉकेट हो गई है। और जिस साइड से हमने बैग ऐसे खोला था तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कागज वगैरह है, तो यहाँ पे गाइस मेक इन इंडिया लिखा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इंडिया मेक इन इंडिया। वारंटी भी है इसकी, मैंने तो देखा ही नहीं, यहाँ पे इसकी वारंटी टर्म्स लिखी हैं, और थेफ्ट इंश्योरेंस भी है बैग के साथ, इंश्योरेंस, बैग चोरी हो जाए सामान निकल जाए आप इंश्योरेंस क्लेम कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेट योर फ्री इंश्योरेंस, और यहाँ से आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा। यार ये तो बहुत सही चीज है, आप आराम से आप इंश्योरेंस ले सकते हो बैग के साथ, और महंगा इसलिए नहीं है भाई, गॉड्स है भाई, कुछ बात तो है। तो आप एक एक करके इसके कंपार्टमेंट्स में नजर मारते हैं कि कितने इसके अंदर कंपार्टमेंट है और कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू कर लेते हैं। एक कंपार्टमेंट यहाँ पे है छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना कोई चश्मा रखना हो, कोई चश्मे का बॉक्स रखना हो वो है, बाकी तो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद उसके नीचे की इलास्टिक स्ट्रैप कंपार्टमेंट है, वो भाई ये बहुत गहरा है, इसके अंदर मैंने हाथ डाला पूरा अंदर तक चला गया भाई हाथ, तो ये वाला कंपार्टमेंट भी पूरा अंदर तक है। उसके बगल में एक और है जो ये भी काफी गहरा है, ये आप देख सकते हो यहाँ तक है, और एक कंपार्टमेंट छोटा सा यहाँ पे है जिसकी डेप्थ इतनी है यहाँ तक, और सिमिलरली एक दूसरी तरफ भी है सेम, यहाँ पे दो है। और बाकी मेन आप यहाँ पे कपड़े वपड़े रखने हो कुछ ट्रैवलिंग करने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हो डेप्थ कितनी है, तो आप यहाँ पर आराम से चीजें रख सकते हो। और ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये बाहर की तरफ से है, यहाँ पे आप वाटर बॉटल रखनी हो, लैपटॉप का चार्जर रखना हो, तो सिमिलरली ये दोनों तरफ ही हो गए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं।
ये हो गया आपका लैपटॉप का कंपार्टमेंट, यहाँ से लेके ये पूरी डेप्थ है इसके अंदर, यहाँ पे मेरा हाथ आप देख सकते हो। अब जब लैपटॉप की बात हो गई है तो 15.6 इंचेस का MSI का लैपटॉप है मेरे पास, वो डाल के देखते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये आप देख सकते हो लैपटॉप पूरा फिक्स हो गया, मतलब कोई भी जगह नहीं बची। इसका मतलब जो ये कंपार्टमेंट है ये 15.6 इंचेस के लैपटॉप के लिए है, तो 17.3 इंचेस वालों के लिए ये बैग नहीं है, और 17 इंचेस वालों के लिए बैग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं लैपटॉप भी कम सजेस्ट करता हूँ भाई, 17 इंचेस वाले लैपटॉप मत लिया करो। टीवी घोषित कर देना चाहिए लैपटॉप को, लैपटॉप क्यों बोलते हैं। तो जो ये लैपटॉप का कंपार्टमेंट है ना, इसके पीछे अगर आप ये कुशनिंग देखो तो ये बैग पे काफी अच्छी तरीके से दिया है, तो अगर आप थोड़ा बहुत शॉक भी लग जाएगा आपके इस वाले पोर्शन पे तो लैपटॉप टूटने का खतरा भाई कम है, मतलब काफी कम है। तो सिमिलरली अंदर से तो शॉक लगने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे पैक हो जाएगा बैग आपका, अंदर से तो सारा पोर्शन खाली है ये, तो लैपटॉप मतलब सेफ रहेगा आपका। और ओवरऑल बिल्ड की तो मैं बात बताना भूल ही गया, ये जो बाहर से इसकी जो बिल्ड है, जो पूरा जो इसका टेक्सचर है, ये प्योरली वाटरप्रूफ है। जो मेरे वाले बैग का मॉडल है वो घोस्ट मॉडल है, बट इसके अंदर ये मार्वल एडिशन है। यहाँ पे भाई फीचर्स मेंशनड है, यहाँ पे 15.6 इंचेस लिखा है और मैक्सिमम कैपेसिटी 25 लीटर है, तो आप इसके अंदर पानी भी भर सकते हो 25 लीटर। नहीं ऐसा नहीं है, 25 लीटर एक नापने का तरीका होता है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन आती है वो भी लीटर के हिसाब से आता है, फ्रिज भी आपका लीटर के हिसाब से आता है, एसी भी आपका कुछ लीटर, नहीं गलत बोल दिया। ओवरऑल अगर मैं बताऊं जो इसका टेक्सचर है, मैं बता रहा हूं अगर बहुत तेज बारिश में भी अगर आप इसको लेके चले गए ना, इसमें पानी जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्लोजली मैं आपको दिखाऊं ना, आप ये देख सकते हो कितना हार्ड टेक्सचर है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। सिमिलरली यहां से भी है और सेम नीचे से भी, अगर इसको पानी वानी के सर्फेस पर रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद यहाँ पे दो छोटे से स्ट्रैप बने हैं। अब इनका स्ट्रैप का क्या काम होता है, यहाँ पे आप अपनी डाटा केबल या कोई भी ऐसी चाबी वगैरह रख सकते हो, जो यहाँ पे डालने के बाद आप इसको बंद कर दोगे, उसके बाद वो चीज आपकी कहीं खोएगी भी नहीं। जैसे बैग में आप छोटी मोटी चीज डाल देते हो, चाबी डाल देते हो, डाटा केबल डाल देते हो, फिर आप ढूंढते रहते हो कौन सी पॉकेट में रखी थी, तो सिंपल आप अपनी डाटा केबल यहाँ पे लगा सकते हो और उसके बाद इसको बंद कर दो और आपको कोई टेंशन नहीं, बस एकदम सामने से उतार लिया जाएगा फटाफट से। तो सेम लैपटॉप के कंपार्टमेंट के बाद उसके नीचे एक और छोटी सी पॉकेट है, छोटी नहीं है तो बहुत बढ़िया भाई, ऐसा लग रहा है इसमें एक और लैपटॉप आ जाएगा 15.6 इंचेस का। एक पॉकेट यहाँ पे है कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए, एक पॉकेट यहाँ पे है और छोटा मोटा सामान रखने के लिए, एक यहाँ पे से आप देख ही सकते हो, यहाँ पे भी आप काफी सामान रख सकते हो। भाई ये तो थी इसके अंदर सारी पॉकेट्स, एक बार फिर से गिनते शुरू से एंड तक कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ये जिप वाली भी गिन लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। सो वी हैव टोटल 14 कंपार्टमेंट्स और वी कैन से पॉकेट्स, और छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, सारी आपने देख ली। बैग मुझे भाई लिटरली बहुत अच्छा लगा, मतलब एक बहुत मल्टीपर्पज बैग है ये, आप इसके अंदर कपड़े, लैपटॉप, एक चार्जर, कीज, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है एक दो दिन के लिए और आप मेरी तरह टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़े हो, मेरा मंगाने का मकसद भी ये था, मैं ट्रैवल करता हूँ जैसे एक दो दिन के लिए, तो मेरा लैपटॉप आराम से इसके अंदर आ जाएगा और बाकी छोटे मोटे कपड़े आ जाएंगे, बाकी सारे गैजेट्स, चार्जर वगैरह, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें मुझे साथ में चाहिए होती है, गेम पैड वगैरह रख लेता हूँ कभी मैं, तो वो सब ये कवर अप कर लेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया बैग है, हाँ थोड़ा सा महंगा है बट ओवरऑल आप देखो वीडियो में मैं आपको सिर्फ मुंह से बता सकता हूँ, बट क्वालिटी इसकी इतनी बढ़िया क्वालिटी है। वैसे है तो इससे ऊपर भी ROG के बैकपैक्स आते हैं, टफ के भी बैकपैक्स आते हैं, वो भी हैं काफी अच्छे हैं, बहुत महंगे महंगे 10-10, 15-15 हज़ार के बैकपैक्स हैं, तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी इससे भी अच्छी होगी, बट जिस प्राइस रेंज में ये आपको मिल रहा है ना, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, पसंद आई तो लाइक कर देना, मजा आया तो कमेंट भी करके बताना, और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल कर देना। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।